एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित गंगौड़ा शेख गांव पड़ा। लगभग 2700 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 9 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान शाकरा है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1800 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर दिखाई दिया। वहीं बात शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 60 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, तालाब तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण भी वर्तमान प्रधान ने करवाया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गाँव में 25 हैंडपंप, वहीं विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल व 3 विद्युत ट्रांसफार्मर भी गाँव में लगवाए गए हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, पंचायत घर, सरकारी ट्यूबवेल, सीसी रोड तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान प्रतिनिधि इरशाद खान, मैंने जो गांव के अंदर जो विकास कार्य थे वो बहुत बढ़िया तरीके से कराया। गांव के अंदर सीसी रोड बनवाई है, गांव के अंदर हैंडपंप की मरम्मत कराई है और गांव के अंदर जो बाउंड्री वॉल वगैरह कराई है। और दूसरी चीज़ ये कि जो गाँव के अंदर जो हमारे प्राइमरी पाठशाला है उसके अंदर जो है मैंने काम कराया है और गांव के अंदर जो बिजली का काम भी मैंने कराया है। और गांव के अंदर जो हमारे प्राइमरी स्कूल में जो है जो टीचर्स वगैरह है वो भी समय पे नहीं आते हैं। और जो हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी इसी तरह एक खंडित की तरह पड़ा हुआ है। उसमें ना ही तो कोई डॉक्टर्स बैठता है ना हम उनसे CMO वगैरह से जाके कहते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर्स हमारे यहाँ नहीं भेजते। और काफ़ी जो PWD वगैरह के रोड्स पड़े हुए हैं उनके अंदर काफ़ी मरम्मत होनी है, काम होने हैं। हमारा जो है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि हमारे गांव के अंदर ज़्यादा कार्य कराया जाए ताकि हमारे गांव का विकास हो और गांव के अंदर खुशहाली आए। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। शाकरा प्रधान जो है उन्होंने गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करा है, अच्छी कामयाबी करी है गाँव के अंदर और सभी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं आगे के लिए भी, और जो कुछ भी किया सब कुछ अच्छा किया है।